क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है? क्या हार्दिक पांड्या बीसीसीआई के लाडले हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, वो उठ रहे हैं और इसलिए उठ रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी किया है उसमें से ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर का नाम जो है वो गायब है, लेकिन हार्दिक पांड्या ग्रेड ए में बने हुए हैं और इसके बाद से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी पर हमारी आज की बातचीत होगी, लेकिन पहले आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी कर दिया है और उसके अनुसार ये तय हो गया है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और वजह ये बताई जा रही है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली। चारों ओर इसी बात की चर्चा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली तो क्या हार्दिक पांड्या ने रणजी ट्रॉफी खेली? खेली तो उन्होंने भी नहीं रणजी ट्रॉफी, तो फिर ये दो तरह का व्यवहार क्यों? ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को आखिर क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं दिया गया कि ईशान किशन ने झारखंड के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, जबकि श्रेयस अय्यर ने जो है मुंबई के लिए असम के खिलाफ और फिर क्वार्टर फाइनल जो मुकाबला हुआ उन दो मुकाबलों से अपने को अलग रखा और इस वजह से दोनों को सजा के तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा बीसीसीआई के। तो फिर हार्दिक पांड्या को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो भी ए ग्रेड का? तो ये एक बड़ी बात है और इस पर जो है विवाद गहराता जा रहा है और इरफान पठान ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फिर आप हार्दिक को सीधे ग्रेड ए कैसे दे सकते हैं? आपको ये भी बता दूं कि जो हार्दिक पांड्या हैं वो विश्व कप के दौरान चोटिल हुए थे और उसके बाद से वो रिहैब में थे और मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से जो है उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, क्योंकि जब कुछ दिनों पहले जयशाह ने एक बात कही थी कि जो खिलाड़ी युवा हैं और जो रेड बॉल का लोड जो है वो ले सकते हैं, वो अगर डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट से अपने को अलग रखते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को उठाना पड़ा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी कि हमारे पास एनसीए है और हमारी जो मेडिकल टीम है वो ये भी देखेगी कि अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ व्हाइट बॉल का ही लोड उठा सकता है उसका शरीर, तो फिर हम उसे फोर्स नहीं करेंगे कि वो रेड बॉल खेले। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या इस कैटेगरी में ही आते हैं। अब रहा सवाल उन्हें ग्रेड ए मिलने का, जिस पर कि सवाल उठ रहा है कि वो तो सिर्फ व्हाइट बॉल खेलेंगे और वो भी ज्यादा T20, तो सीधे उन्हें ग्रेड ए में क्यों रखा गया है? तो ये भी बात हो सकती है कि हार्दिक पांड्या एक सीनियर खिलाड़ी हैं, काफी समय से खेल रहे हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहा है, तो उस प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें ग्रेड ए दिया गया हो ऐसा लगता है। लेकिन ये बात तो सच है कि जो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के फैंस हैं उन्हें ये बात पच नहीं रही है। अभी आपके लिए सूचना ये है कि जो बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट जारी किया है उसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बाहर होने और हार्दिक पांड्या के जुड़ने पर जो देश भर में एक चर्चा जरूर शुरू हो गई है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।